कर्म हुआ और बूंद भी नहीं फैलाती है। जय हो बाबा। हर थार भाप बन जाती है और आते ही आते उड़ जाती है। इतना गर्म हो गया जैसे ताते तवा पे बूंद पड़े ना तो भाप बन के बूंद ऊपर उड़ जाए। यही हाल हुआ जैसे ताते तवा पे बूंद पड़े और भाप बन के उड़ जाए। यही हुआ हर धार भाप बन जाती है आते आते उड़ जाती है। सातवां दिन आया बादल फट गया, हवा की गति मंद हो गई, भास्कर भगवान का मुंह दिखाने लगा तो वृंदावन वालों को धीरा जाने लगा। भाइयों पानी का बरसना बंद हुआ, सूरज का मुंह दिखाने लगा, वृंदावन वाले क्या बोलने लगे? वृंदावन वाले बोले उठे क्या, ओ जय हो जय हो राजीव गति पे बोली उठो, राजीव गति पे बोली उठो, अब जय हो कुंज बिहारी की। भगवान श्याम सुंदर ने पहाड़ को उठाया, सात दिन हो गए पानी बरसते बरसते, इतना गर्म हो गया जैसे ताते तवा पे बूंद पड़ो और बूंद भाप बन के ऊपर उठ जाए। यही हाल हुआ। सातवां दिन आया हवा की गति मंद पड़ गई, सूरज का मुंह दिखाने लगा, वृंदावन वालों को धीरा जाने लगा। भगवान श्याम सुंदर ने जैसे पहाड़ को उठाया वैसे नीचे रख दिया, सब ब्रजवासी अपने अपने घर चले गए। कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब गोविंद गोपाल हो तब तो तुम बोलो, लड़का तुम्हारे पंथी तुम्हारे नाती तुम्हारे घर तुम्हारे परिवार तुम्हारे संसार तुम्हारे, गोविंद गोपाल से क्या लेना देना है? लेकिन ये भैया अंत में आएंगे गोविंद गोपाल ही काम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बा नंदलाल मेरो है, श्री बा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। मेरे प्यारे भक्तों भगवान श्याम सुंदर गिरिराज का पूजन कराने के बाद घर आए, इधर भगवान कन्हैया को वो बात याद आ गई, हमने गोपियों को वरदान दिया था